एक्चुअली सर, ये जो किरदार मैंने प्ले किया है परमजीत सिंह का, इवन वो धोनी की लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। उन्होंने बचपन से उन्हें सपोर्ट किया हर चीज़ को लेकर, तो मैं इस फिल्म का पार्ट बनाऊँ ये मेरे मेरी खुश नसीबी है। और मैं अपने आप को लक्की मानता हूँ कि मैं धोनी जैसी मूवी, बायोपिक जैसी मूवी का पार्ट बनाऊँ, हिस्सा बनाऊँ, तो आई एम वेरी हैप्पी। सर, ये अगर बात करें, संदीप एक पंजाब का लड़का यहाँ तक पहुँचता है, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे यहाँ तक पहुँचना हुआ? सर देखिए, मैं पंजाब चंडीगढ़ में मेरी कॉलेजिंग हुई है, मेरी ग्रेजुएशन भी चंडीगढ़ से हुई है, इंजीनियरिंग भी चंडीगढ़ से हुई, बट मैं चंडीगढ़ का नहीं, चंडीगढ़ से थोड़े आगे कालका ही छोटा शहर है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो सर मेरे लिए एक सपना था, सपने से भी बड़ी बात है कि यहाँ तक पहुँचना। पहली बात तो यहाँ तक मेरा एक्टिंग का कुछ दूर दूर तक लेना देना ही नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा ऐसा कुछ भी, क्योंकि इंजीनियरिंग जब मेरे माँ बाप ने मुझे करवाई थी, मेरे पिताजी ने, वो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, तो उनका एक ही सपना था कि बच्चा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। इवन जैसे धोनी मूवी आपने देखी होगी, उनके पापा उनको कैसे करते हैं, तो वही सेम प्रोसीजर मेरी लाइफ में रहा था। तो काफ़ी टफ होता है एक मिडिल क्लास इंसान का, जब कोई लड़का बाहर निकले अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो काफ़ी बाधाएँ आती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ में। तो मैं जब चंडीगढ़ से बॉम्बे आया, हाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा ये दौर कैसे शुरू हुआ था। चंडीगढ़ में 2007-08 के करीब एक मॉडलिंग का दौर शुरू हुआ था, तो तब मेरा एक वीडियो जो पंजाबी सॉन्ग था प्रपोज, काफ़ी हिट हुआ था उस टाइम पर, टाइटल सॉन्ग था, तो लोगों ने काफ़ी उसको अप्रिशिएट दिया था उस टाइम पर भी मुझे। तो उन्होंने मुझे बोला, यार तू यहाँ क्या कर रहा है, तुझे तो बॉम्बे में जाकर ट्राई करना चाहिए। तो मैंने सोचा, हाँ यार मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे बॉम्बे जाना चाहिए। जब मैं फिर मैंने वहाँ पर एक्टिंग का थोड़ा बहुत थिएटर किए, प्ले किए, फिर वहाँ से मैं बॉम्बे आया। बॉम्बे मैं फ़्लाइट में बैठा था, तो मैं ख्याली पुलाव बनाते हुए आ गया बॉम्बे कि ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं बॉम्बे पहुँचा, यहाँ की जो जो सफ़र था रहा मेरा लाइफ का, मेरी लाइफ का जो सफ़र रहा वो बहुत टफ था, क्योंकि यहाँ की लाइफ और हमारी नॉर्थ की लाइफ बहुत डिफरेंट है। यहाँ की लाइफ बहुत टफ़ है और स्ट्रगल करना और भी मुश्किल हो जाता है। हमें रूम नहीं अवेलेबल हो पाते, छः छः लड़कों से एडजस्ट करना पड़ता है और काफ़ी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है एक्टिंग को लेकर अगर देखा जाए तो आपको काम मिल, एक्टर सभी हैं बट काम मिलना बहुत टफ हो जाता है। मैंने काफ़ी टीवी शो किए, टीवी सीरियल किए, लेकिन उससे मेरे को कोई पहचान नहीं मिल पाई थी। मैंने 2014 में हैरी पूजा प्रोडक्शन हाउस से हैप्पी गो लक्की की थी, उसमें रॉकी का किरदार था, नेगेटिव प्ले था, करेक्टर था, लेकिन उससे काफ़ी उम्मीद थी, उससे मुझे वो पहचान नहीं मिल पाई जो मैं चाहता था। लेकिन उसके बाद जब मैंने भाग मिल्खा भाग देख मूवी देखी थी, तो मैं सोचता था कि यार ऐसी किसी फिल्म में एक मौका मिले, एक सीन ही मिल जाए बस भगवान की कृपा से। तो पूजा पाठ तो मैं करता हूँ, मैं हमेशा यही मांगता था, मैं एक सीन मांगता था, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी इतनी सुन ली कि उन्होंने एक सीन क्या मुझे बायोपिक का ऐसा पार्ट बना दिया, वो भी धोनी जैसी मूवी का, इतने लेजेंड इंसान की बायोपिक में मैं हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट। तो मैं तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि भगवान आपने क्या दे दिया, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर। क्योंकि जब मैं भाग मिल्खा भाग देख रहा था तो वो बायोपिक बहुत अच्छी लगी थी, और ये जो धोनी बनी है बायोपिक, नीरज पांडे सर ने इसको इतने अच्छे तरीके से बनाया है, इतने अच्छे तरीके से कि इसका कोई निचोड़ ही नहीं है। एक बार क्या आप इसको 10 बार भी देख सकते हो, इवन मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं इस मूवी में, इवन मैंने भी 6-7 बार देख चुका हूँ, और पब्लिक का जो मुझे रिस्पॉन्स मिला वो बहुत अच्छा था, बहुत अप्रिशिएट मैं मुझे मिला। फर्स्ट डे वन से ही मुझे लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। इवन मैं मूवी के अंदर सरदार करेक्टर का, जो सरदार किरदार है वो मैं प्ले कर रहा हूँ मूवी के अंदर, वो परमजीत जी हैं जिनका मैं करेक्टर प्ले कर रहा हूँ, उनका निकनेम छोटू भैया है, रांची से हैं। तो ये जो मैंने करेक्टर इस मूवी में किया है, मुझे हमेशा ये टेंशन रहती थी कि लोग मुझे पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे, मैं सरदार का रोल कर रहा हूँ, लेकिन डे वन से मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मैं अभी मोना भी हूँ, लोग मुझे इस लुक में पहचान रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सर, दाढ़ी के पीछे कुछ राज छिपा हुआ है, दाढ़ी आपके लिए मील का पत्थर बनी है, ऐसा क्या है वो राज? सर दाढ़ी का आपको मैं बताऊँ, इवन अब तो मुझे इससे बहुत प्यार हो चुका है, अपनी दाढ़ी मूँछों से, मैं इसको कभी कटवाने वाला भी नहीं हूँ, अगर कोई अच्छी रिक्वायरमेंट है कि जरूर कटवाऊँगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं मॉडलिंग से मेरा दौर शुरू हुआ है, तो उस टाइम काफ़ी पतला होता था, लीन था, 8 पैक ऐप से, तो मैं मुझे काम नहीं मिल पाता था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्टिंग में मुझे काम नहीं मिलता था, उस कैटेगरी में काफ़ी लोग थे, लेकिन जब से मैंने मूछें रखी अपनी तो मेरे को इंडस्ट्री ने काफ़ी एक्सेप्ट कर लिया, टीवी मुझे टीवी सीरियल काफ़ी मिले। लेकिन जब मैंने दाढ़ी रखी, मुझे पहले तो पता ही नहीं था मेरी इतनी अच्छी दाढ़ी भी आती है, और मैं लकी हूँ कि परमजीत सिंह जिनका मैं किरदार निभा रहा हूँ,
उनकी काफ़ी लुक मुझसे मिलती है। अगर आप उनकी आप इमेज देखोगे तो काफ़ी हद तक मैं उनसे काफ़ी सिमिलर हूँ। तो नीरज, मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि नीरज सर ने मेरे अंदर यही कैपेबिलिटी देखी, एक उन्होंने परछाई उनको अपने किरदार की मुझमें दिखाई दी। तो मैं हैप्पी हूँ कि हमेशा कुछ ना कुछ तो ऊपर वाला किसी न किसी के लिए जरूर बना के रखता है। मेरे लिए ये काम परफेक्ट था तो मैं मुझे ये मिला, आई एम फील हैप्पी। सर देखिए, अभी ऐसा कहना तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि अभी मूवी चल ही रही है और काफ़ी अप्रोच मुझे मिल रहे हैं, लोगों के काफ़ी कॉल भी आ रहे हैं, लेकिन अभी जब तक एग्रीमेंट नहीं होता, उनका कुछ ऐसा फाइनल नहीं होता, मैं आप सबको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जैसे कुछ होगा तो आपको जरूर पता चलेगा। आपका किरदार काफ़ी अहम था और फिल्म भी बहुत ही वर्ल्ड वाइड मूवी है ये, शायद ही कोई बच्चा रिक्शा वाले से लेके बिजनेसमैन से लेके जो धोनी को नहीं पहचानता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उस टाइम आपकी लाइफ में कितना बदलाव आया, अभी जब लोग आप लोकल वाला मार्केट में रहते हैं, आप निकलते हैं तो एक नॉर्मल स्ट्रगल लड़का निकलता है, लेकिन आप निकलते हैं थोड़ा सा सियान से, लोग कहते हैं अरे वो जा रहा है। हाँ जी, सरदार जा रहा है। कैसा लगता? सर बहुत अच्छा लगता है। इवन जब मैं इस फिल्म के लिए साइन हुआ था तो मुझे बोला गया था जिम छोड़ने के लिए, वेट थोड़ा बढ़ाने के लिए मैंने जिम छोड़ दी थी, क्योंकि मैं पहले बहुत मक्सुलर था, बॉडी वॉडी मेरी अच्छी थी, तो मैंने जिम छोड़ी और मेरे को अपनी दाढ़ी कट नहीं करनी थी। और काफ़ी चीज़ें थी सिमिलैरिटी जो सर ने बताया था, एक्चुअल जो करेक्टर है परमजीत सिंह जी वो थोड़ा पंजाबी बोलते हैं, थोड़ा वहाँ की जो रांची की लैंग्वेज है वो भी उसमें भी बात करते हैं। तो सर ने मेरे को यही बोला था आपको थोड़ा मिक्स मैच करके बोलना पड़ेगा। मतलब हाँ जी सर, वो आपने मूवी में देखा भी होगा, मेरी कहीं जगह पंजाबी है और कहीं जगह रांची की लैंग्वेज का टच मैंने इसमें दिया है, तो अपने आप को काफ़ी हद तक चेंज किया है मैंने। लेकिन जो बात पहले बात कर रहे हैं कि मैं यहाँ पहले जब निकलता था तो वाकई एक कोई नहीं मुझे पहचानता था, लेकिन आज जब आज निकलता हूँ तो लोग मुझे रोक कर बोलते हैं यार तुमने अच्छी जॉब की, मतलब यू आर रियली डिड ग्रेट जॉब इन एम एस धोनी। तो सुनकर काफ़ी अच्छा होता है, एक एक्टर को तारीफ मिल जाए और क्या चाहिए। तो सर स्ट्रगल की बात करें, हर किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है। संदीप, एक लाइन में स्ट्रगल किया संदीप का, सर डाउन टू अर्थ था संदीप, एक छोटे से रूम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोई बड़े बड़े वो नहीं है। सर देखिए स्ट्रगल आपकी चली गई है, उसके बाद आपने मीडिया को बोला, आप भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे आगे बढ़ना है। जी सर, किसी के दम पे नहीं, खुद अपने आप बढ़ना है। सर देखिए, आज तक मैंने जो भी किया अपने दम पर किया, मुझे किसी की कोई सपोर्ट नहीं मिली और फैमिली की सपोर्ट रही थी, लेकिन होटल एक 1 BHK के रूम में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, एक्चुअली मेरी स्ट्रगल काफ़ी टफ रही है, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हर एक्टर की एक अपनी कहानी होती है, मेरी भी ऐसी कहानी रही है, बड़े उतार चढ़ाव आए हैं, कई बार फैमिली प्रेशर आता था वापस आ जाओ यहाँ कुछ होने वाला नहीं, और मैं बॉम्बे से 2 बार वापस भी जा चुका हूँ। लेकिन जब एक बार तो ऐसा हुआ कि डैड ने मुझे बोला भी तुम अपना खुद देख लो, तो मुझे घर से हेल्प मांगते भी शर्म आती, तो उस दौरान मैंने बाउंसरिंग का काम भी किया था, बाउंसर किया था, डबिंग करता, छोटा मोटा जो मिलता करता था। लेकिन कहते हैं मेहनत रंग लाती है, इस मूवी से जो मुझे प्रोजेक्ट मिला ये मेरी मेहनत का नतीजा है, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, उनकी दुआओं का आशीर्वाद है, और जो मुझे इसमें काम मिला आई फील वेरी हैप्पी। धोनी से मिले कभी आप? हाँ जी सर, एक्चुअली शूट के दौरान ऐसा हुआ था, मेरा जो सेट लगा हुआ था रांची मैकॉन स्टेडियम के अंदर, एक हमारी शॉप के सेट लगा हुआ था, उसका शूट चलने वाला था, तो वहाँ पर आए थे मिस्टर धोनी जी, कैप्टन कूल, तो वो आए वहाँ पर, तो उनका जो ओरा था इतना पॉजिटिव था, इवन मैं काफ़ी नर्वस था, मैं तो एक हार्ट बीट फास्ट होती है, इतने बड़े लेजेंड इंसान से मिलना, ये चूँकि हमारे पेरेंट्स उनके फ़ैन हैं, हमारी फैमिली, इवन मैं खुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि एक्टर को मिलना इजी होता है, एक लेजेंड इंसान वो महेंद्र सिंह धोनी जी, उनको मिलना एक सपने जैसा ही होता है। ये फर्स्ट टाइम मैं उन्हें मिला था, उन्होंने सामने से आके मुझे हाई की, कह रहे यू प्ले द छोटू भैया करेक्टर, एक्चुअली जो परमजीत जी हैं उनका निक नेम छोटू भैया है, तो उन्होंने मुझे आते बोला यू प्ले द छोटू भैया करेक्टर, मैंने हाँ जी सर, कह रहे हाँ हाँ एक्चुअली छोटू भैया ने अपने मोबाइल में आपकी फोटो दिखाई थी, मतलब थैंक यू सर। तो उनकी वाइफ साक्षी जी भी साथ थे, तो उन्होंने अपने बेस्ट विशेज मुझे दिए और अच्छा लगा, इवन जब उन्होंने अप्रिशिएट किया तो मेरे अंदर भी आया नहीं यार दिल जान से हमें काम करना है इस मूवी में। एक्चुअली होप तो थी, जब मूवी रिलीज़ नहीं हुई थी थर्सडे तक मैं बहुत टेंशन में था, पता नहीं क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, कैसा लोग इसको पसंद करेंगे, क्या होगा, ये सब टेंशन थी। लेकिन मुझे काफ़ी हद तक यकीन था ये फिल्म सुपर डुपर हिट होने वाली है, क्योंकि इनके साथ बहुत बड़े इंसान जुड़े हुए हैं, नीरज पांडे सर जुड़े हुए हैं, जो एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं जिन्होंने इतनी सुपर हिट मूवी दी है, और हमारे धोनी जी, उनका नाम ही बहुत बड़ा है, तो फिल्म सुपर हिट हुई, काफ़ी अच्छा लगा। सर अपने दर्शकों से, अब तो आपके फैंस ही कह सकते हैं, अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मेरे फैन है, लेकिन चलो ठीक है। आप इतनी से क्या अपील करना चाहेंगे आपको आगे बढ़ाने के लिए? सर मैं अपने दर्शकों से सिर्फ इतना ही कहूँगा, आप मुझे ऐसे ही प्यार करते रहें, ढेर सारा मुझे दुआएं दीजिए ताकि मैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहूँ, मुझे अच्छे रोल मिले मूवीज़ में हर जगह,
लोग मुझे प्यार दें, अच्छे चैलेंजिंग रोल मुझे मिले, वो मैं करना चाहूँगा और जल्दी किसी अच्छे प्रोजेक्ट में आपको जल्दी दिखाई दूंगा। थैंक यू, थैंक यू।